यूएस में 5 नवंबर को होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जिसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस उम्मीदवार हैं। ऐसे में जब हर वोट कीमती होता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस में फंसी भारतीय मूल की यूएस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही बैरी बुच विलमोर स्पेस से अपना वोट कास्ट करेंगे। कैसे स्पेस से वोट डालेंगी सुनीता विलियम्स? अगर ये सवाल आपके मन में है तो टेंशन नॉट, इस वीडियो में आपको उसका जवाब मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन एंड आई एम श्योर अभी तक आपने स्विच को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर हैं, नवंबर 5, 2024 को होने वाले US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना वोट डालने वाली हैं। इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही बैरी बुच विलमोर, जो फरवरी तक ISS पर ही रहेंगे, बोइंग के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के सोलो रिटर्न के बाद भी स्पेस में फंसे हुए हैं, बावजूद इसके वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सुनीता विलियम्स ने 12 सितंबर 2024 को एक कॉल के दौरान वोटिंग के इम्पोर्टेंस पर जोर डाला था और कहा था, कोट अनकोट, ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्ज है जो हमारे पास सिटीजन्स के रूप में होता है और मैं स्पेस से वोट डालने के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये काफ़ी कूल है। अब आपके मन में ये सवाल तो होगा ही कि कैसे वोट डालेंगी स्पेस से सुनीता विलियम्स? स्पेस से वोट डालने के लिए विलियम्स एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करेंगी जो US के सिटीजन्स के लिए अब्रॉड रहने के दौरान डिज़ाइन किया गया था, जिसमें उनकी लोकेशन के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। सबसे पहले वो एक फेडरल पोस्ट कार्ड एप्लीकेशन सबमिट करेंगी एब्सेंटी बैलेट मांगने के लिए। जब उन्हें बैलेट मिल जाएगा तो विलियम्स उसे इलेक्ट्रॉनिकली ISS के कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करके फिल करेंगी। नासा का एडवांस स्पेस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन स्कैन प्रोग्राम उनकी वोट के ट्रांसमिशन में मदद करेगा। सुनीता विलियम्स का इंक्रिप्टेड बैलेट नासा के नियर स्पेस नेटवर्क के माध्यम से ट्रांजिट किया जाएगा, जो ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। ये सिग्नल न्यू मेक्सिको के नासा के वाइट सैंड्स टेस्ट फैसिलिटी के ग्राउंड एंटीना तक जाएगा और फिर वहां से सिक्योरली जॉनसन स्पेस सेंटर के मिशन कंट्रोल सेंटर ह्यूस्टन में भेजा जाएगा। उसके बाद एनक्रिप्टेड बैलेट को एप्रोप्रिएट कंट्री क्लर्क के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। आपको बता दें, सिर्फ सुनीता विलियम्स और कंट्री क्लर्क ही इस बैलेट तक एक्सेस कर सकते हैं, जो उनके वोट की इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है। नासा ने इंश्योर किया है कि एस्ट्रोनॉट्स जैसे कि सुनीता विलियम्स धरती से कनेक्टेड रहें और स्पेस में होने के बावजूद अपने सिविक ड्यूटीज को पूरा कर सकें। स्पेस से वोटिंग का प्रोसेस 1997 से चालू है, जब टेक्सास लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया था जो नासा एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट से बैलेट डालने की अनुमति देता है। द फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू वोट फ्रॉम स्पेस वॉज डेविड वुल्फ, हु वोटेड वाइल बीइंग एट द रशियन मीर स्पेस स्टेशन। हाल ही में केज रूबिन्स ने 2020 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान ISS से अपना वोट डाला था। नासा के एस्ट्रोनॉट्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स का इस्तेमाल करके, जो ISS पर भेजा जाता है, फिर वापस धरती पर प्रोसेस के लिए ट्रांजिट किया जाता है, उसका यूज़ करेंगे। ये सिक्योर सिस्टम नासा के इस कमिटमेंट को दिखाता है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को दूरी के बावजूद अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को निभाने के लिए सहूलियत प्रदान करते हैं, चाहे वो कितनी भी लंबी ड्यूरेशन के दौरान मिशन पर हो और स्पेस में ही क्यों ना हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्पेस में बहुत कुछ पहली बार किया है और अपना रिकॉर्ड भी बनाया है, जैसे कि वो स्पेस से मैराथन रन करने वाली पहली एस्ट्रोनॉट थी। बहुत लोगों को उनकी वापसी की फिक्र है, पर एज पर सुनीता विलियम्स एंड हर फैमिली, स्पेस ही उनका असली घर है और वो अपने टाइम को स्पेस में बखूबी यूटिलाइज कर रही हैं बाय डूइंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही ISS एक मिशन के तहत गए थे, पर उनका स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर वहाँ खराब हो गया, तब से वो वहीं फंसे हैं। विलियम्स का स्पेस क्राफ्ट 6 सितंबर को वापस धरती पर आ गया था, पर नासा ने डिसाइड किया कि वो विलियम्स और विलमोर को इस खराब स्पेस क्राफ्ट से वापस धरती पर नहीं लाएंगे, बल्कि इलॉन मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 के जरिए धरती पर वापस लाएंगे। आपको जानकर ये खुशी होगी कि इलॉन मस्क का स्पेस क्राफ्ट ISS पर पहुंच चुका है, पर वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर वापस फरवरी में आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब स्पेस क्राफ्ट वहां पहुंच चुका है ISS पर, तो एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में देरी क्यों है, इसका जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। नेवरदीलेस, स्पेस से वोटिंग का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड स्पेस रिलेटेड सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।